हेलो दोस्तों, मैं निखिल गुप्ता, स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग कॉशीज रेजिड्यू थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं। कॉशीज रेजिड्यू थ्योरम डिस्कस करने से पहले, रेजिड्यू आपको अच्छे से आना चाहिए, तो वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से देखें ध्यान से और फिर ये वीडियो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो रेजिड्यू के लिए हमने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था कि रेजिड्यू कैलकुलेट होता है लॉरेंट्स एक्सपेंशन से। किसी भी फंक्शन का लॉरेंट्स एक्सपेंशन हम करते हैं एफ ऑफ जेड का, तो दो पार्ट उसमें मिलते हैं, एक मिलता है जनरल पार्ट और एक मिलता है उसमें प्रिंसिपल पार्ट। जनरल पार्ट हमारे काम का नहीं है, उसमें सारी जेड की पॉजिटिव पावर्स होती हैं। जो प्रिंसिपल पार्ट होता है उसमें जेड की सारी नेगेटिव पावर्स होती है, वो हमारे काम का है, क्योंकि उसी से सिंगुलैरिटी और रेजिड्यू दोनों मिलती है, इसी पार्ट से। तो यहां पर ए एन की वैल्यू तो ये होती है, ए एन और बी एन एक्चुअली कोफिशिएंट्स हैं, जिनकी वैल्यूज इस तरह से होती है। ये पूरा डेरिवेशन भी हमने किया हुआ है एक्चुअल में, तो वो भी आप देख लेना। इस वीडियो से लिंक्ड जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबके वीडियोज के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप आराम से देख लेना उसको। तो अभी फिलहाल ए एन और बी एन ये हैं। अब रेजिड्यू क्या होता है? रेजिड्यू होता है बी वन, मतलब पहला कोफिशियंट जो आएगा ना एन की वैल्यू वन रखने पर, जेड माइनस जेड जीरो की पावर माइनस वन का जो कोफिशियंट बी वन आएगा वही रेजिड्यू होता है। तो रेजिड्यू अल्टीमेटली एक कोफिशियंट है और कुछ नहीं है। अब कैसे कैलकुलेट करें या उसका कैसे यूज आएगा इसमें, वो समझने के लिए मैं यहां एन की वैल्यू वन रख देता हूं और बी वन निकाल लेता हूं एक बार, फिर आगे मैं आपको बताता हूं कैसे काम आएगा। तो सबसे पहले आप यहां पर एन की वैल्यू वन रख दो। जब एन की वैल्यू वन रखोगे तो बी वन कितना आ जाएगा? बी वन आएगा वन अपॉन टू पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी टू, या सी टू सी वन क्या है अभी मैं बताता हूं आपको, एफ ऑफ टी और डिवाइडेड बाई टी माइनस जेड जीरो की होल पावर माइनस वन प्लस वन जीरो, एन की वैल्यू वन रखिए और ये डी टी। तो बी वन फाइनली आ गया वन अपॉन टू पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी टू के अबाउट एफ टी डी टी। ये हमारे काम का फॉर्मूला है एक। अब ये काम किस तरह से आएगा वो अभी मैं बताता हूं आपको। पहले ये सी वन सी टू जान लेते हैं। देखो, लॉरेंट्स एक्सपेंशन जो होता है वो होता है किसी एन्युलस के अबाउट। अगर कोई फंक्शन किसी एन्युलस में एनालिटिक है, मान लो ये एक कर्व है और उसके अंदर एक और दूसरा कर्व है सी टू, ये सी टू है, ये बाहर वाला कर्व सी वन है, तो C1 और C2 के बीच वाला जो पोर्शन है इसको एनुलस बोलते हैं, और फंक्शन अगर इस पोर्शन में एनालिटिक है तो उसका एक्सपेंशन हम इसके रिस्पेक्ट में करते हैं, मतलब लॉरेंट सीरीज से एक्सपेंशन कर सकते हैं उसका। अब बात यह है कि ये B1 क्या आया है? B1 आया है इस C2 के अबाउट, अंदर वाले कर्व के अबाउट आया है। मतलब अगर इसी फंक्शन का, अगर मैं इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा इधर उधर करके लिखूं और इसकी वैल्यू निकालना चाहूं कि किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना हो हमें, किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन एफ टी डी टी करना है सी टू के अबाउट, मतलब अंदर वाले कर्व के अबाउट, तो इधर लेके जाओ इसको, ये आता है टू पाई आयोटा बी वन के बराबर। टू पाई आयोटा बी वन बोल दो, या फिर आप बोल दो टू पाई आयोटा रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड के बराबर, रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड एट पॉइंट जेड जीरो। ये पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर रेजिड्यू हम निकाल रहे होते हैं, तो आप यहां पे लिख सकते हो एफ ऑफ जेड के साथ में जेड जीरो लिख दो पूरा का पूरा, ये रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड एट पॉइंट जेड जीरो। तो बी वन की वैल्यू ये लिख सकते हो आप, ठीक है? यहां तक बात समझ में आई? अब इसका यूज आएगा यहां पर। अब हम एक बार पढ़ते हैं कॉशीज रेजिड्यू थ्योरम क्या है, आपको बेहतर समझ में आएगा। ध्यान से देखो आप, इफ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन अ क्लोज्ड कंटूर सी एक्सेप्ट एट अ फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स इनसाइड सी, देन इंटीग्रेशन अबाउट सी, ये आता है, ये मतलब टू पाई आयोटा सिग्मा आर। सिग्मा आर का मतलब क्या है? वेयर सिग्मा आर इज द सम ऑफ द रेजिड्यूज ऑफ एफ ऑफ जेड एट ऑल ऑफ इट्स पोल्स विद इन सी। मैं एक बार बनाता हूं आपको, तब समझ में आएगा, डायग्राम के बिना समझ में नहीं आएगा। ये क्लोज्ड कर्व मैं सी बनाता हूं एक, ये क्लोज्ड कर्व है एक सी, ये सी कर्व है, ठीक है? ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने बना दिया। अब इसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स हैं। फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स का मतलब मान लो कि ये एक पोल तो यहां हो गया Z1, यहां एक पोल हो गया Z2, यहां कोई एक पोल है Z3, ऐसे करते 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 घने ही पोल हो जाएंगे, ये Zn पोल है मान लो, एक बार के लिए Zn पोल है टोटल। अब जितने भी पोल हैं उन सभी का एकदम पास में, एकदम नेबरहुड में एक सर्किल बना दो, मतलब उसका एक नेबरहुड बना दो एक तरीके से आप। ये मैंने इसके आजू बाजू सर्किल बना दिया,
ये इधर भी बना दिया और सभी में बनाना है, तो एंथ का डायरेक्ट मैं कर देता हूं, यू सर्किल मैंने बना दिया इसके पास में। डायरेक्शन हमने ले ली इसकी क्लॉकवाइज। अब देखो ये क्लोज्ड कर्व है सी, उसके अंदर हमने कई सारे क्लोज्ड कर्व बना लिए, C1, C2, C3, CN, N क्लोज्ड कर्व बना लिए। ये तो इसके सिंगुलर पॉइंट्स हैं, मतलब पोल्स हैं, यहां पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, लेकिन इसके बाहर, इसके भी बाहर, इसके भी बाहर और इसके भी बाहर हर जगह फंक्शन एनालिटिक है। मतलब ये जो पोर्शन बन रहा है ना, जो मैं बना देता हूं एक बार पूरा, अब फंक्शन इस ब्लू वाले रीजन में एनालिटिक है, केवल यहां नहीं है क्योंकि ये तो पोल्स हैं। अब ध्यान से देखो आप, ये केस आ गया कॉशी इंटीग्रल थ्योरम का कि एक बाहर बड़ा कर्व है और अंदर दूसरी डायरेक्शन में चलने वाले दूसरे कर्व हैं। जितने भी कर्व हों, कॉशी इंटीग्रल थ्योरम अप्लाई करके क्या हम लिख सकते हैं, मैं यहां पर इसको मिटा करके लिखता हूं। एक बार देखो आप, वो जो कंक्लूजन आया था वो तो मैंने यहां लिख दिया। तो कॉशी इंटीग्रल थ्योरम के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि किसी फंक्शन का एफ ऑफ जेड का इंटीग्रेशन अगर हमें करना है सी के अबाउट, बाहर वाले कर्व के अबाउट, जिसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है और अंदर वालों की मान लो क्लॉकवाइज है, तो बाकी अंदर के जितने भी कर्व हैं उनके अबाउट इंटीग्रेशन का सम होता है। ये सी टू एफ ऑफ जेड डी जेड प्लस में ये सी थ्री एफ ऑफ जेड डी जेड प्लस में इस तरह से बढ़ते जाएंगे और लास्ट में एफ ऑफ जेड डी जेड ये सी एन के अबाउट। मतलब बाहर वाले कर्व के अबाउट इंटीग्रेशन अंदर के सभी कर्व के अबाउट इंटीग्रेशन का सम होता है, अगर अंदर वाले कर्व सबकी डायरेक्शन सेम है तो। ये हमने कॉशीज इंटीग्रल थ्योरम में सीखा था। हमें जरूरत है इसकी, हमें यही निकालना है, तो हमें उस तरफ कैलकुलेट कर लेना है, आंसर आ जाएगा। अब देखो, अभी हमने इस एक्सपेंशन में सीखा था, जो हमने लॉरेंट सीरीज का एक्सपेंशन किया था, जिसमें हमने देखा था कि भाई ये एफ ऑफ टी डी टी, एफ ऑफ टी डी टी बोल दो या टी की जगह आप जेड ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो तो ऑपरेटर है, कुछ भी ले लो। तो एफ ऑफ जेड डी जेड उसके अकॉर्डिंग 2πiβ1 है, जहां पर ये अंदर वाला कर्व होता है, C2 कर्व लेते थे हम उसमें, तो जहां पर C1 C2 ये था ना, ये बाहर वाला C1 था, अंदर वाला C2 था। तो अंदर वाले कर्व के अबाउट हम इंटीग्रेशन जानना चाह रहे हैं और बाहर भी एक दूसरा कर्व है, और देखा जाए तो इस कर्व और इस कर्व की बात करें तो ये बीच में एन्यूलस ही बन गया एक तरीके से। तो यहां पर C1 के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, देखो ये एफ ऑफ जेड डी जेड मैं लेफ्ट साइड पहले लिख देता हूं इसकी, और इस तरफ ये आ जाएगा 2πiβ1, 2πiβ1 नहीं लिख रहा हूं मैं लिख रहा हूं रेजिड्यू, रेजिड्यू ऑफ फंक्शन एफ एट पॉइंट, ये तो z0 पे था, यहां फिलहाल ये मैंने लिया है z1 पॉइंट पर C1, तो रेजिड्यू एट पॉइंट z1 प्लस दूसरा वाला ये सेम 2πiβ, सबका फॉर्मूला यही है फॉर्मेट, तो 2πiβ रेजिड्यू एट पॉइंट z1 यहां आ गया z2, थर्ड वाला आएगा 2πiβ रेजिड्यू ऑफ फंक्शन एफ एट पॉइंट z3, और ऐसे ही लास्ट चलता जाएगा, हर एक का इंटीग्रेशन हम निकाल सकते हैं 2πiβ रेजिड्यू ऑफ फंक्शन एफ एट पॉइंट zn। ये सारे सिंगुलर पॉइंट्स पर हम लोगों ने रेजिड्यू निकाल करके इनका इंटीग्रेशन निकाल लिया इस फॉर्मूले का यूज करके, ठीक है। अब ध्यान से देखें तो सब जगह से 2πiβ कॉमन आ रहा है, सब जगह से अगर 2πiβ कॉमन लेते हो तो ये बनता है 2πiβ कॉमन, बचेगा यहां पर रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ z1 प्लस रेजिड्यू एफ ऑफ z2 प्लस रेजिड्यू एफ ऑफ z3, और यूं आगे बढ़ते 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 लास्ट में रेजिड्यू एफ ऑफ zn। मतलब हर एक पोल पर रेजिड्यू का सम, यही है ना ये, और यहां पर यही बात कर रही थी, वेयर सिग्मा आर इज द सम ऑफ रेजिड्यूज ऑफ एफ ऑफ जेड एट ऑल ऑफ इट्स पोल्स विद इन सी। तो इस पूरी चीज को सिग्मा आर बोल दें, सारी रेजिड्यूज का सम बोल दें हम, तो क्या आंसर बनता है फाइनली, ये बनता है एफ ऑफ जेड डी जेड, ये इंटीग्रेशन सी, ये 2πiβ और ये सिग्मा आर हम इसको बोल सकते हैं। ये हमारा फाइनली इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई रेजिड्यू की टर्म्स में, ठीक है। तो बहुत ही आसान इंटीग्रेशन है इसका, सिंपल, हमें बस कॉशी इंटीग्रल थ्योरम का एक्सटेंशन अप्लाई करना है और हमें आराम से आंसर मिल जाएगा। और उससे पहले एक छोटा सा ये वाला चीज ध्यान रखनी है कि B1 के फॉर्मूले से हम इंटीग्रेशन कैसे निकाल सकते हैं। तो बहुत छोटा ही प्रूव है, बहुत लोग तो केवल इसको रट के काम चला लेते हैं, लेकिन आप अगर ध्यान से समझोगे तो बहुत छोटा सा ही है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें समझने वाला।
है ना। अब ये इसका यूज बहुत ज्यादा होता है, कॉशीज रेजिड्यू थ्योरम का यूज बहुत ज्यादा होता है। कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला जो हमने सीखा था उसका एक तरीके से ऑल्टरनेटिव आ गया ये इंटीग्रेशन कैलकुलेट करने का, और बहुत जगह इससे आसान कैलकुलेशंस हो जाती हैं, तो हम उसकी जगह इसको यूज ले सकते हैं। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कैसे कनेक्टेड है उससे और सेम आंसर कैसे आएगा वो हम अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस हम लोग इसके लेने वाले हैं, तो इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियोस में, थैंक यू सो मच।